नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MBT ज्ञान में। दोस्तों, यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों का भेजा मतता रहा है कि कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा। आप बताइए कि कौन पहले आया। अगर आप कहेंगे कि अंडा, तो अगला सवाल होगा कि अंडा दिया किसने, और अगर आप कहेंगे कि मुर्गी पहले आई, तो सवाल होगा कि मुर्गी आसमान से तो टपकी नहीं, वह किसी अंडे से ही निकली होगी। तो अगर वह अंडे से निकली तो अंडा पहले से था। आप चकरा जाएंगे, झुंझला जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन अब यह परेशानी दूर होती दिख रही है, क्योंकि शेफील्ड और वार्विक विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पास इस सवाल का जवाब है। उन्होंने कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करते हुए एक प्रोटीन का पता लगाया है, जिसे OC17 या फिर OVOCLIDIN-17 के नाम से जाना जाता है। यह प्रोटीन तेजी से अंडे का खोल तैयार करने में सहायता करता है। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कोलिन फ्रीमैन इसे समझाते हैं, मुर्गी के अंडे का खोल बनाने के लिए आपके पास मुर्गी होनी चाहिए। आप तर्क दे सकते हैं कि आपको OC17 प्रोटीन की जरूरत होगी और वह मुर्गी के पास है, क्योंकि अंडे का खोल तैयार करने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत है वह सिर्फ मुर्गी के अंडाशय में होता है, वह मुर्गी के शरीर में और कहीं नहीं होता। अरे, यह तो एकदम सीधा सा जवाब है। अंडे का खोल तैयार करने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वह सिर्फ मुर्गी के अंडाशय में होता है, तो इसका मतलब है कि अंडा मुर्गी से पहले आया। वाह, मिल गया जवाब। लेकिन एक सेकंड, ये तो बताइए कि अंडे देने के लिए मुर्गी कहाँ से आई। इसका जवाब भी डॉक्टर फ्रीमैन के पास है। वे कहते हैं, मुर्गी कुछ उन पक्षी प्रजातियों से पैदा हुई जो अंडे देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुर्गी अंडे से पैदा हुई। लेकिन थोड़ी देर पहले हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अंडा मुर्गी ने दिया। उफ, ये उलझन तो दूरी नहीं होती। आपको क्या लगता है, कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा? हमें कमेंट्स करके बताएं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। और जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।